रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवराज सिंह ने सागर में प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था, उसी को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सिंह के बंगले का घेराव कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के बयान के विरोध में पैदल मार्च निकाला और शिवराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान को गेटवेल सून का कार्ड और गुलाब का फूल सौंपना चाहते थे। वो 5-6 पदाधिकारी जाके जो है ज्ञापन दे दे, लेकिन हमारे एडिशनल एसपी साहू जी ने हम पे दबाव बना के हमें यहाँ पर रोक लिया। और ये हमें जो है प्रथा की जानकारी थी कि सब मतलब पिछले सालों से यही होता है कि बंगले के बाहर रोक लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जो एसडीएम और जो है क्षेत्र का जो है टीआई जो है 5-6 लोगों को ले आके जो है शांतिपूर्ण तरीके से देता। हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आकर प्रदर्शन करने आए हैं। अगर हम लड़ाई लड़ने के लिए आते तो हम ये रोडों को भर देंगे। और ये हम आपको ये बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अगर अपने बयान वापस नहीं लिया तो हम उसकी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे और यहाँ पर जो है आके उनके घर का घेराव करेंगे। और जहाँ जहाँ से जब जब निकलेंगे और जब जब हमें आस पास के रास होंगे कांग्रेस के लोगों को तो वहाँ उनका पुतला जलाया जाएगा। आज ये प्रदर्शन जो है केवल सांकेतिकता गांधीवादी तरीके से था, इसलिए हम गांधीवादी तरीके से आके चुपचाप बैठ गए। लेकिन प्रशासन का ये काम नहीं है कि प्रशासन जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दबा के कुचल दे और उनको यहाँ पर दादागिरी से रोक ले और ये कहे कि वहाँ पर एसडीएम बैठा हुआ है वहाँ पर जाके बात करिए। बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ से गिरफ्तारी देंगे, वो अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। 5 लोग जाएंगे वहाँ पर, वो जाके जो है वो फूल देंगे। अगर ये फूल नहीं देंगे तो ये हम ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो हमारे साथ नहीं है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के पहले ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से पैदल मार्च शुरू किया। कांग्रेस कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान को गेटवेल सून का कार्ड और गुलाब का फूल सौंपना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हो गई और बैरिकेड तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास तक पहुंच गए और प्रदर्शन किया। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान कमलनाथ सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए सामने आ रहे हैं, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या नेता या मंत्री, हर कोई बेहद नाराज है। एक दिन पहले ही मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो उनके पद को ना तो शोभा देते हैं और ना ही उनकी पद की गरिमा के तहत आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे नेता जो कि भोपाल में रहते ही हैं और जनसंपर्क मंत्री भी हैं, उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान को सोच समझ कर बोलना चाहिए। खासतौर से जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो इस तरीके की बातें पहले नहीं किया करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चले जाने के बाद से वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज शिवराज सिंह चौहान के घर की तरफ पैदल मार्च किया। उनके हाथों में गुलाब थे और साथ ही में गेटवेल सून के ग्रीटिंग कार्ड थे। वो शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उन्हें गुलाब का फूल देना चाहते थे। गांधीगिरी के जरिए उन्हें ये बताना चाहते थे कि भले ही वो कांग्रेस के नेताओं को और मुख्यमंत्री कमलनाथ को कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस गांधीगिरी के जरिए इसका विरोध करेगी। हालांकि पुलिस ने पहले ही बैरिकेटिंग लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया। छिटपुट झड़प के बीच वो वहां से चले भी गए, लेकिन इस दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़क पर कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई। रवीश पाल सिंह, भोपाल।